यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। राजनीति की इन खबरों के बीच एक खबर ऐसे इंसान की है जिसे किसी के पहचान की जरूरत नहीं है। आप सही समझे, क्रिकेट की दुनिया के भगवान सचिन तेंदुलकर धर्मशाला में अपनी कीमती दिनों में से कुछ दिन बिताने के लिए आए हैं। सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में शुमार। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स की तर्ज पर एक क्रिकेट संग्रहालय क्रिकेट म्यूजियम खोला जाएगा। भारतीय क्रिकेट का सितारा रहे सचिन तेंदुलकर धर्मशाला में पहुंच चुके हैं। सचिन चार दिन अपने परिवार के साथ यहां पर रहने वाले हैं। 2 मई को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बनने वाले क्रिकेट म्यूजियम का सचिन शिलान्यास करने वाले हैं। अनुराग ठाकुर के न्योते पर सचिन धर्मशाला में पहुँच चुके हैं। मंगलवार दोपहर बाद सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतरे। वहां पर सचिन के फैंस के साथ साथ एचसीए के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके बेटे अर्जुन पहले से ही धर्मशाला में हैं। दुनिया के क्रिकेट स्टेडियमों में शुमार, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अब लॉर्ड्स की तर्ज पर मैदान में ही क्रिकेट संग्रहालय बनने जा रहा है। इस क्रिकेट संग्रहालय की नींव क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर रखने वाले हैं। इसके बाद 3 मई तक धर्मशाला में वो रुकेंगे और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगाया जाएगा। इसके अलावा यहां पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले जैसे नामी खिलाड़ियों के स्टैचू भी रखे जाएंगे। साथ ही संग्रहालय में भारतीय क्रिकेट का इतिहास और अन्य सामान भी रखा जाएगा। 1 से 3 मई तक धर्मशाला में बिताने के बाद सचिन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मिलेंगे। सचिन कई बार दलाई लामा से मुलाकात के लिए प्लान बना चुके हैं, लेकिन इस बार धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने की मन्नत पूरी होती दिखाई दे रही है। खबर अभी तक के लिए धर्मशाला से मनोज धीमान की रिपोर्ट।